मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की एक स्वीट डिश, उसे कहते हैं कापन्या। वो मेनली बनती है गेहूं का आटा और गुड़ डाल के। बहुत ही सिंपल ये डिश है, तो चलिए बनाते हैं कापन्या। तो उसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी पानी, लगभग आधा कप होगा ये, एक छोटी कटोरी है। और उसमें हम डालेंगे एक गुड़, ये भी एक कटोरी है मतलब आधा कप, तो जितना पानी है उतना ही गुड़ मैं ले रही हूँ। तो इस गुड़ को सिर्फ हमें ऐसे पानी में मिक्स करना है, ज़्यादा देर तक इसे मत रखिए, बहुत गाढ़ा मत करिए, सिर्फ गुड़ जो है वो पूरा पिघल जाना चाहिए। गुड़ देखिए पूरी तरह पिघल गया है। तो अब हम एक कटोरी में एक गेहूं का आटा लेते हैं। ये मैंने एक बड़ी कटोरी, लगभग दो कप ये आटा है गेहूं का। अब इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच छोटे बेसन, और इसी के साथ एक चम्मच चावल का आटा। इससे जो हमारी कापनी है बहुत ही क्रिस्पी बनती है, इसलिए मैंने चावल का आटा डाला है। अब मैं डालूंगी इसमें सौंफ, एक चम्मच है सौंफ, इसमें अच्छी लगती है। और इसमें थोड़ा सा नमक, बहुत ही हल्का नमक। अब मैं इसमें डालूंगी ये दो चम्मच तेल, मैंने गरम कर लिया है, एकदम गरम है। बहुत ज़्यादा भी तेल आप मत डालिए, क्योंकि हमने इसमें डाला है चावल का आटा, तो ये अपने आप क्रिस्पी हो जाएगी। तो ज़्यादा तेल डालने से बड़ी एकदम वो खराब हो जाएगी, तो दो चम्मच इसके लिए काफ़ी है। तो ये पूरा हम मिक्स कर देते हैं। अब जो इसमें गुड़ का पानी है ठंडा हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मिक्स करना है। ये देखिए जैसे हमारी पूरी जो रहती है मसाले की, नमकीन वाली पूरी, वैसे ही ये आटा हमें सान के लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ। आटा मैंने 10 से 15 मिनट तक ढक के रखा था, अब थोड़ा सा आटा उसमें मैंने ले लिया है और एकदम कम आटा इसे लगा दिया है। और एक थोड़ी सी खसखस मैंने डाल दी है, इससे बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो ये ऐसे फैला के इसे आप ऐसे बेल लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने बेली है, इतनी मोटी आकार में, ये देखिए। अब इसे ऐसे हम कट कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, धीमी से मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप तलिए, क्योंकि यहाँ का गुड़ काला रहता है तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाएगी, तो अंदर से कच्ची रहेगी या पकेगी नहीं। अच्छे से इसे फ्राई होना चाहिए, तो धीमी आंच पे ही इसे आप करिए। देखिए इस तरह से इस धीमी आंच पे मैं तल रही हूँ। एक कलर थोड़ा सा लाल ही आएगा, क्योंकि गुड़ भी लाल ही था मेरा ज़्यादा कलर में, तो इसीलिए एक कलर ऐसे लाल हो गया है। तो देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार है, ये देखिए। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।